वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का तरफ से वर्क असिस्टेंट पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट आया था 10th पर स्टूडेंट के लिए, इसका फॉर्म फिलअप क्लोज हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद रिक्वेस्ट कर रहा था, सर इसका PVS ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दीजिए। तो इसका ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इसका 3 स्टेज में, टोटल आप लोग का 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है एडवांस एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर भी मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ और एडवांस एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट अगर मेरा चैनल को फॉलो करते हो तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल का दो प्लेलिस्ट है, उसमें लिखा है DAE प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट और DAE एडवांस एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट में मोर देन 38 वीडियो हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वो सब क्वेश्चन पेपर है NFC, आप लोग जानते हैं NFC, HWB, BARC, VECC, IGCAR, NPCIL, इन सभी में जो क्वेश्चन पैटर्न होता है सेम होता है, क्वेश्चन लेवल आप लोगों का सेम रहता है। तो इन सब एग्जाम का PVS क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा DAE प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्लेलिस्ट में और एडवांस एग्जामिनेशन का प्लेलिस्ट में। जो भी स्टूडेंट वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं या देने जाएंगे आप लोग, वो सभी स्टूडेंट दोनों प्लेलिस्ट को अच्छा से देख लेना, तभी आप लोगों का अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा। क्योंकि इसमें आप लोगों को PVS क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होगा। और एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना है तो आप सभी स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करता हूँ लूसेंट से आप लोग पढ़ सकते हैं। लूसेंट का मैथ से पढ़ सकते हैं, साइंस बुक से पढ़ सकते हैं, GK बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं top 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ जो आप लोगों का BARC में वर्क असिस्टेंट का पेपर में पूछे जा सकता है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मैं भी BARC एग्जामिनेशन क्रैक किया था और मेरा ज्वाइनिंग लेटर का भी वीडियो मैं आप लोगों को आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लेना कैसे मैं जॉब क्रैक किया था, इसका टिप्स भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सबसे पहले आप लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन का पेपर आप लोग देख लेना, बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी देख चुका है। और इसका बाद से मैं वर्क असिस्टेंट के लिए मॉडल सेट बनाते रहूँगा और अपलोड करते रहूँगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मैं भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एडवांस एग्जामिनेशन क्रैक करके अब इसमें जॉब सिलेक्शन लिया था। तो हमें पता है कि किस लेवल पर इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आप लोग को लग सकते हैं इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एटम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु में सबसे छोटा नाभिक होता है। तो न्यूक्लियस सबसे छोटा किसका होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है, तो वो सबसे छोटा होगा। जैसे हाइड्रोजन के होता है 1H1 होता है, तो इसके लिए क्यों होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन से शुरू होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस में भी क्या रहता है, एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन ही ओनली रहता है, इसके लिए कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन रहता है, ओके, और न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। और इसका चारपास में क्या होता है, जो आप लोग का सेल रहता है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एम सेल, एल सेल, के सेल जो भी होता है इसमें आप लोग का इलेक्ट्रॉन रहता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, आप लोग को याद आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ एटोमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। तो आप सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछे जा रहा है न्यूक्लियन इज द नेम व्हिच इज यूज्ड फॉर, न्यूक्लियन वो नाम है जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी में आपको बोल रहा है कि नान ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
न्यूक्लियर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन ही रहता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ 88 रेडियम 226। तो इधर आप लोग का एक्चुअली क्या होना चाहिए, 88 ऐसे रहना चाहिए, रेडियम 226 ऐसे रहना चाहिए। तो जो भी फॉर्मेट में हम टाइप किए उसमें सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ऐसे देखने को आप लोग को मिल रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया है, तो इसमें आपको क्या निकलना है, प्रोटोन संख्या। तो ये नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इजिकल टू प्रोटोन संख्या होता है, तो प्रोटोन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे आप लोगों को निकलना पड़ता है, ऊपर में जो रहता है इसको एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर इजिकल टू क्या होते हैं, मास नंबर इजिकल टू होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें से प्रोटोन का वैल्यू तो आ गया है 88 और एटॉमिक मास नंबर 226 है, तो न्यूट्रॉन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 226 माइनस 88। इसको करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 226 से 88 को माइनस अगर आप लोग करते तो 138 आ जाएगा। ठीक है, तो 138 हो जाएगा न्यूट्रॉन और 88 हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछे जा रहा है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में डाउट होता है, रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कौन था, तो मैडम कुरी, हेनरी बेकरेल, आयरिन कुरी, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड। तो इसका एक्चुअल राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे आपको पूछता हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडियम, तब राइट आंसर क्या होता, तब हो जाता मैडम कुरी एंड पियरी कुरी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग का मैक्सिमम स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, क्लियर कर दिया हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, एक भी प्रकार का परमाणु पाया जाता है, तो एक टाइप का परमाणु पाया जाता है किसमें, जो नेचुरल एलिमेंट होगा उसमें, क्योंकि मिक्स्ड ऑफ मिनरल में अगर होगा तो टू टाइप का होगा। अगर ऐसे अगर हम लोग बात करते HCl होता है, अगर HNO3 होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का परमाणु इधर ऐड हो रहा है, तो एक ही टाइप होगा अगर H2 होगा। ठीक है, तो मतलब नेचुरल जो भी एलिमेंट होता है उसमें सिंगल टाइप एटम प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आवर्षित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है कितना होता है, -1 अप्रॉक्स होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl इज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो टेबल नमक NaCl किससे बनता है, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग एसिड Na प्लस का साथ Cl माइनस क्या होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों जब ऐड होता है तो ये क्या करता है, दोनों ऐड होकर NaCl बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 9th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इन चार ऑप्शन में से रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है, एस्टेटिन, फ्रेंसियम, टाइटेनियम, कैडमियम, तो आप लोग को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं, कैडमियम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, 10th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कृत्रिम रेशम को कौन सा नाम में हम लोग और भी जानते हैं, रेयन, डेक्रॉन, फाइबर ग्लास या नायलॉन, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर नायलॉन दे सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेयन होता है। समझ में आ गया है। इस वीडियो में अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट भी प्रोवाइड करूँगा, तो बहुत टाइम है आप लोग का एग्ज़ाम होने में, तो बीच बीच में मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा और आप सभी के लिए अपलोड करूंगा। अगर आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट करते, कमेंट करते कि सर हाँ अच्छा वीडियो लगा है, मैं गारंटी आप लोगों को दे सकता हूँ, मैं अगर मॉडल सेट ऐसे बनाते रहूँगा, चाहे मैथ, उसमें मॉडल सेट जब भी मैं बनाऊँगा मैथ, साइंस और GK एक साथ रहेगा, और बीच बीच में मैं एडवांस एग्जाम के भी बनाऊंगा जिसमें इंग्लिश भी ऐड करूंगा। इंग्लिश आप लोगों को कॉमन कभी नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न आपको मैं बताते जाऊंगा, पैटर्न आप लोगों को कॉमन आएगा, लेकिन जो साइंस और मैथ और GK का क्वेश्चन होगा उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऊपर डिपेंड करते कैसे आप लोग इसको
पॉजिटिव लेना चाहते हैं या नेगेटिवली। पॉजिटिव अगर आप लोग हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ इसके ऊपर मॉडल सेट का वीडियो चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछे जा रहा था, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल इज, आवर्त सारणी में एक समूह की तत्व तो जो भी ग्रुप होता है और जो आप लोगों का होता है पीरियड होता है, तो ग्रुप कौन सा होता है, जो वर्टिकल जो कलम होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, और जो हॉराइजॉन्टल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन आता है कितना ग्रुप होता है, टोटल 18 ग्रुप होता है, और कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। समझ में आ गया, इसमें आपको वही बताया जा रहा है कि द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप ए वाला हो रहा है जो वर्टिकल कॉलम जो है, तो एक एक ग्रुप में एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, तो एक एक ग्रुप का एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे देना। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी इसका सिमिलर होता है, समान समान होता है, सबका समान होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये जो ग्रुप है हाइड्रोजन लिथियम उसके बाद जो भी नीचे रहता है, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है, इन द आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक परमाणु नाभिक के संस्थानिक में, तो न्यूक्लियस में आप लोगों को क्या रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ, एटॉमिक न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में आप लोगों का रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें आपको पूछा जा रहा है आइसोटोप जो होता है एक परमाणु नाभिक के संस्थानिक में क्या होता है, तो आइसोटोप मतलब आप लोगों को जानना चाहिए जिसका परमाणु संख्या समान होता है और उसका न्यूट्रॉन संख्या अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर डिफरेंट, तो ये तो गलत है। सेकेंड नंबर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, तो यही मैं आपको बताया हूँ कि प्रोटॉन संख्या समान होता है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या इसमें डिफरेंट होता है। समझ में आ गया, जैसे क्या होता है अगर ऑक्सीजन का बात करते, 8O16 होता है, 8O17 होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन संख्या, तो प्रोटॉन संख्या दोनों का समान है, ऑक्सीजन का दो आइसोटोप है जैसे 8O16 8O17, तो इसका क्या हो रहा है, नीचे जो एटॉमिक नंबर है मतलब प्रोटॉन संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या डिफरेंट होने का कारण क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन संख्या इधर कितना है 8 है और इधर 9 है, तो न्यूट्रॉन संख्या इधर डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, जैसे कार्बन का भी अलग अलग होता है। समझ में आ गया, तो आइसोटोप में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस इज अ मिक्सर ऑफ, कुकिंग गैस किसका मिश्रण है, तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस, जो भी एलपीजी हम लोग बोलते हैं। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका फुल फॉर्म होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये क्या होता है, तो मेरा हिंदी में या हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए टाइप करके लाने का और हिंदी में भी डिस्कशन करने का, क्योंकि आप सिर्फ हिंदी में अगर इंग्लिश में डिस्कशन करते तो बाकी स्टूडेंट बोलते सर हिंदी में डिस्कशन नहीं किया, इसलिए दोनों लैंग्वेज पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो कोबाल्ट 16 हम लोग रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका पीछे क्या कारण होता है, क्योंकि ये कौन सा रे को एमिट करता है, कौन सा रे छोड़ता है, अल्फा बीटा गामा या एक्स रे, आप सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर होता है गामा रे, तो इससे गामा रे एमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, आइसोटोप मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक होता है 1H1, 1H2, 1H3, तो आप देख सकते हैं आइसोटोप मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन संख्या समान है लेकिन इसका जो ऊपर है न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होने का कारण इसका मास नंबर भी अलग है, 1, 2, 3 है। ठीक है, तो इसका जो पहला आइसोटोप होता है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा जो आइसोटोप है इसको बोलते हैं 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा जो आइसोटोप है इसको बोलते हैं ट्राइसियम। ठीक है, तो इन 3 होता है, प्रोटियम जो ऑप्शन नंबर ए में है, ड्यूटेरियम
और जो ट्राइसियम ऑप्शन नंबर डी में है, इन तीनों होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप। लेकिन जो इटेडियम है, इटेडियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर आपको पूछेगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइसियम रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। सेम क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी संस्थानिक को क्या कहते हैं, तो जो भी हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है उसको हम लोग ट्राइसियम कहते हैं, 1H3 इसका होता है आइसोटोप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछे जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस का नाम में भी जाना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर है, इट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलवेज हायर देन अदर गैस, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग गैस से, मतलब दूसरा गैस से ऑलवेज ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस, श्वसन प्रक्रिया में इसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन को उस एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी, इट एमिट्स विजिबल रेडिएशन, और विजिबल रेडिएशन को एमिट छोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को उस सूस लेता है, मतलब वो शोषण कर लेता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, इन ए ड्राई सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल में लिक्विड का रूप में जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं। चार ऑप्शन दिया, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की या पृथ्वी का क्रस्ट में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है, तो अगर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बोलता तब हो जाता है एल्यूमिनियम, और सेकेंड पोजीशन में होता है आयरन, और तीसरा पोजीशन में होता है कैल्शियम। ठीक है, तो इधर सेकेंड पोजीशन में बोला है, तो आयरन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछे जा रहा है, एज ऑफ फॉसिल में बी फाउंड आउट बाई डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ टू आइसोटोप ऑफ कार्बन। द आइसोटोप आर, कार्बन के दो संस्थानिक के अनुपात का निर्धारण करके जीवाश्म की आयु को पता लगाया जा सकता है, आइसोटोप है। तो कौन सा दो कार्बन का आइसोटोप है जिसका रेशियो को डिटरमाइन करके, स्थिर करके हम लोग जीवाश्म का आयु निकाल सकते हैं, तो कौन सा आइसोटोप होता है, C12 या C13, ऑप्शन नंबर बी C12 एंड ब्लैक कार्बन ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी C12 एंड C14। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का दो आइसोटोप है जिसको हम लोग रेशियो निकाल के उसका एक जीवाश्म है उसका आयु हम लोग निकल सकते हैं। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, टेफ्लॉन इज ए और एन। टेफ्लॉन क्या होता है, एक फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉट या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सरफेस को अगर कवर करना है तो कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सोचो कोई भी पॉट है, जैसे कुकिंग पैन या फ्राइंग पैन होता है, तो उसका सरफेस को अगर कवर करना है, सिंथेटिक मटेरियल होता है, इसका सरफेस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जनरल हम लोग जो को भी कुकिंग, जैसे नॉनस्टिक के लिए हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, नॉनस्टिक पैन, फ्राइंग पैन जो भी होता है, इसमें हम लोग टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है एक फ्लोरोकार्बन। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुष्फलकीय है, तो टेट्राहेड्रल कौन सा होता है, अमोनियम कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर एंड एसिटिलीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको CCl आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जो CCl4 मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी चतुष्फलकीय आपको समझ में आ रहा है, टेट्रा मतलब क्या, चौथा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट आप लोग नाम सुने हैं, तो बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, नायलॉन 6, 6 रेवन, केबलर या
डेक्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केबलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सोडा लाइम ग्लास। निम्नलिखित में से सोडा लाइम ग्लास का प्रमुख घटक कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, तो ये होता है सोडा लाइम ग्लास का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, द एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच, तो एसिड या अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो जाएगा कि गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब जो छोड़ता है। ओके तो दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और तीसरा जो ऑप्शन है ये आप लोगों का गलत है, और चौथा जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी गलत है, ठीक है। तो जो सेकेंड ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है वो दो गलत है, लेकिन जो फर्स्ट और तीसरा वाला है ये सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली नहीं मान सकते, क्योंकि एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन को प्रोवाइड करता है मतलब उसको डोनेट करता है, छोड़ देता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनीगर। विनीगर में कौन सा अम्ल पदार्थ का पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, सेटिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड, ठीक है। एप्पल में अगर बात करता, सेब में मिलता है मैलिक एसिड, साइटिक एसिड मिलता है लेमन में, नींबू में मिलता है, और लैक्टिक एसिड मिलता है दही में, कर्ड में मिलता है या मिल्क में मिलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द सॉल्यूशन ऑफ हाइपो व्हिच इज फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज इन द फोटोग्राफी इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। फोटोग्राफी में अक्सर उपयोग किए जाने वाले हाइपो का समाधान डैश का जलियो घोल है, तो कौन सा सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम टेट्राथियोनेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम थियोसल्फेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। आयरन नेल्स आर लोहे के या लोहे की किल को नील कॉपर सल्फेट की घोल में डुबाया जाता है, कुछ समय बाद लोहे की किल क्या करता है, डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसमें डिजॉल्व हो जाता है और उसमें से ब्लू कलर को उसमें छोड़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 29 नंबर का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध का औसत पीएच मान क्या होता है, तो पीएच वैल्यू क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग कहते हैं, इसका ही मतलब होता है पीएच वैल्यू, ठीक है। 7 होता है इसका न्यूट्रल कंडीशन, जो आप लोग का डिस्टिल वाटर में मिलता है, तो इसमें आपको पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क बोला है, तो 6.6 राइट आंसर हो जाएगा। ओके जो थोड़ा सा अम्ल होता है या अम्लीय होता है, एसिडिक जिसको हम लोग बोलते हैं। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे दूसरा वीडियो में, जिसमें हम मॉडल सेट आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे 50-50 क्वेश्चन का। मोर सॉल्ट इज ए, मोर नमक एक, तो क्या होता है, ये होता है एक डबल सॉल्ट, ठीक है। तो मोर सॉल्ट क्या होता है, मोर सॉल्ट कहते हैं एल्यूमिनियम AlUMiNiU, एल्यूमिनियम आयरन ब्रैकेट में टू सल्फेट FeTe, तो एल्यूमिनियम आयरन ब्रैकेट में टू सल्फेट को हम लोग मोर सॉल्ट का नाम में जानते हैं, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप लोगों को याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है। NH4 H2O (6), ठीक है। तो ये होता है, इतना बड़ा एक आप लोगों का फॉर्मूला होता है, जो आप लोग याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग याद रखना आयरन एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट, जिसका दूसरा नाम है मोर सॉल्ट, ये होता है एक डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये था टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को भी पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी का साथ डिस्कशन किया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके दोस्त के साथ शेयर कर देना वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।